आज का टॉपिक है कि डिस्प्ले की लेड नहीं चल रही है, डिस्प्ले अब ब्लैंक हो गई, वाइट हो गई है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कई सारी प्रॉब्लमें आती हैं जब हम लैपटॉप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, जैसे कि डिस्प्ले की लाइट नहीं जल रही है, ओनली कीपैड की लाइट जल रही है, तीसरे नंबर पर कुछ लाइटें जल रही हैं या फिर कुछ लाइटें स्लो जल रही हैं, तो डिस्प्ले पे प्रॉपर रोशनी नहीं आ रही। तो उस प्रॉब्लम को आज हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोबाइल की जिस मोबाइल में लाइट नहीं जल रही होगी उस मोबाइल की हम पहले सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग चेक करेंगे। सेटिंग चेक पर कहीं पर उसका जो ब्राइटनेस है वो कम और ज़्यादा तो नहीं है, अगर कम है तो उसको बढ़ाएंगे, ये करके हम चेक कर सकते हैं सेटिंग से। इसके बाद अगर नहीं हो नंबर दो पे क्या करेंगे, हम लैपटॉप मोबाइल की LCD ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसके कनेक्शन सही है या नहीं है, क्योंकि LED के जो कनेक्शन होते हैं ये होते हैं यहाँ पे एनोड एक होता है और कैथोड बहुत सारे होते हैं, तो एक प्लस सप्लाई है और जहाँ पे A लिखा होगा वो प्लस होता है और जहाँ पे K लिखा है K2, K4, K6, K8 मतलब कि ये कैथोड मतलब माइनस है, ये एक प्लस सप्लाई, ये सप्लाई चेक करेंगे यहाँ इसमें पट्टा कनेक्ट है या नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, हम इनको सोल्ड करके देखेंगे प्रॉपरली, कार्बन तो नहीं लगाया, या फिर यहाँ से डिस्प्ले हम सोल्ड करेंगे। चौथे नंबर पे क्या करेंगे हम, कि हम ये चेक करेंगे कि इसकी जो कीपैड LED है वो तो नहीं टूटी है, या प्रॉपरली कनेक्शन है या नहीं है, और इसकी कॉइल जो बूस्ट कॉइल होती है, बूस्ट कॉइल उसको हम चेंज करके देखेंगे बूस्ट कॉइल से, ये नोकिया का सेट है, ये एंड्रॉयड है, तो हम बूस्ट कॉइल जो कीपैड मोबाइल है उनमें बूस्ट कॉइल चेंज करके देखते हैं। इसके बाद अगर बूस्ट कॉइल सही है तो फिर हम LED चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, और डिस्प्ले के बजर रेंज पे लगाने के बाद डिस्प्ले हम चेक करेंगे। डिस्प्ले के अंदर जैसे ये डिस्प्ले है, कोई हर एक मॉडल में इसी तरह की डिस्प्ले होगी, किसी में यहाँ पे सोल्डिंग वाली होगी, किसी में कनेक्ट करने वाली होगी, तो कोई भी डिस्प्ले हो उसके अंदर ऐसे ओपन करने पे कुछ LED निकलती है यहाँ पे दिखाई देंगे, याद रहे बहुत आसानी से ओपन करना है, टूटना नहीं चाहिए। तो ये LED दिख रही है यहाँ पे, तो इनको हम चेक करेंगे, अगर ये जलेंगी तो सही है, प्रॉप पलट के लगाएंगे अब, तो ये देखो जलने लगे, ये प्रकाश देने लगे, तो मतलब कि ये LED सही है। ओके, तो LED सही है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारी LED भी सही है, कॉइल भी सही है, ठीक, और जो ये जो लगी होती है LED ये सीरीज़ में लगी होती है, किसी मोबाइल में किसी में लगी होती है पैरेलल में दोनों की तरफ से, तो प्लस माइनस करके हम अलग अलग करके भी चेक कर सकते हैं सही है खराब है। फिर अगर नहीं चल रहा तो किसी किस्म क्या होता है, जैसे नोकिया के कुछ सेट है तो उनमें लाइट IC लगी होती है, अगर ये वाले सेट है तो इनका कनेक्शन मेन कहाँ से होता है, CPU IC से, पावर IC जिसे बोलते हैं, या कहीं से कोई सिंपली सैमसंग का है या नोकिया का हो, तो उनमें क्या होगा कि लाइट IC अलग से दी जाएगी, तो उसकी सर्किट ट्रेस करेंगे उस मॉडल नंबर से, सर्किट ट्रेस के एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसकी लाइट की सप्लाई है वो कहाँ से आती है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे पावर IC पे हीट करेंगे, हीट करने के बाद नहीं जल रही है तो फिर हम इस IC को रिवॉल्व करेंगे, पहले तो हम सर्किट ट्रेस करेंगे इसके बाद हम रिवॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम लाइट जो की जो प्रॉब्लम है वाइट डिस्प्ले हो जाती है या लाइट नहीं आती है तो हम उसको सही कर सकते हैं। ओके।